हेलो भाई लोगों, नमस्कार भाई लोगों। आज हम उन लोगों के लिए शाहरुख खान की पठान की फाइनल ट्रेलर के बारे में एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि पठान फिल्म की फाइनल ट्रेलर रिलीज कब होगी, और भी काफ़ी सारे सवाल हैं उन लोगों के मन में, जैसे कि सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया है कि नहीं दिया है, तो कौन सा सर्टिफिकेट दिया है, फैमिली के साथ हम इस मूवी को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में। आप बस आराम से एक एक करके सुनते जाइए। दोस्तों, सेंसर बोर्ड ने जब दूसरी बार इस फिल्म को मांगा तो काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे कि सेंसर बोर्ड ने फिर से इस फिल्म की शूटिंग करने तो नहीं बोलेगी, क्योंकि इससे पहले दोस्तों किसी भी फिल्म का दोबारा सेंसर बोर्ड ने नहीं मांगा था, इसलिए इस फिल्म के सभी मेकर्स डरे हुए थे। लेकिन सेंसर बोर्ड ने कल शाम को गुड न्यूज़ दे दिया है और आज काफ़ी सारे मेकर्स खुश हैं। दोस्तों, सेंसर बोर्ड ने बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया है। उन्होंने इस मूवी में जितने भी गंदे पार्ट थे वो सारी पार्ट को रिप्लेक्स कर दिया है और सेंसर बोर्ड ने इसको यूए सर्टिफिकेट दे दिया है। मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों कि आप पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं। अब दोस्तों बात किया जाए इस फिल्म के फाइनल ट्रेलर के रिलीज के बारे में। दोस्तों, इसके टीम ने फाइनल रिपोर्ट जारी कर दिया है। आपको पता होगा कि जब इस फिल्म की टीजर शाहरुख खान के जन्मदिन पर आया था, ठीक वैसे ही उन लोगों ने इस फिल्म के फाइनल ट्रेलर को 5 जनवरी दीपिका पादुकोण के जन्मदिन पर के मौके पर रिलीज करना चाहते हैं। वायरफ ने शायद इसी चीज़ को सोचते हुए ये लिखा है, आप इस यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा है 4 जनवरी को या फिर 5 जनवरी के दिन 100% इस ट्रेलर को हम यूट्यूब पर 11 बजे रिलीज कर देंगे। ट्रेलर 5 जनवरी के दिन ही हमें यूट्यूब पर देखने को मिलेगी, क्योंकि वायरफ कभी झूठ नहीं बोलता। दोस्तों, ये सारी जो अपडेट थी इस ट्रेलर को लेकर, बड़ी अपडेट, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। आप इस फिल्म का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के धांसू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।